सुंदर से संडे डिनर के लिए हम लोग जा रहे हैं फ्लाइंग डाइनिंग में। मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है। मुझे लगता है डिनर वहाँ पर पॉसिबल होगा या नहीं, फ़ोन पे उन लोगों से बात नहीं हो पा रही है। हम पहुँच गए हैं फ्लाइंग डाइनिंग में। रिसेप्शन पे कंफर्म कराना पड़ेगा अपनी सीट के लिए, रिजर्वेशन के लिए। 2000 रुपीस पर पर्सन की बुकिंग है यहाँ पर, और 1.5 आवर की वेटिंग है। अभी फर्स्ट लॉट जा रहा है, 20 के करीब लोग जाते हैं ऊपर, और 1:30 to 45 minutes लगते हैं। तो 6:30 हमने बुकिंग की है और उन्होंने हमें 7:50 बुलाया है वहाँ पर, तो वो 1.25 घंटा हमें पास करना है। तो यहाँ पे हम अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें जीतना कुछ भी नहीं है। कोई नहीं जीत पाता यहाँ पे, जस्ट वेस्ट ऑफ द मनी, बट वी एंजॉयड। चलो गेम खेलेंगे, कम ऑन, ओनली 1 बॉल 2 विकेट। 100 रुपीज की एक बॉल है यहाँ पर। मेरे को नहीं सुनाई दी, चल लगा अभी चल। ये है गार्डन गिलेरिया में नोएडा, मॉल ऑफ इंडिया, GIP मॉल, गार्डन गिलेरिया, ये सब साथ साथ में है। और गार्डन गिलेरिया में ही है और देखते क्या है फ्लाई डाइनिंग। और फ्लाई डाइनिंग में या तो आप लोग हो सकता है गए भी हों और कुछ लोगों ने सुना हो, तो ये चेयर टेबल को लिफ्ट करके ऊपर ले जाते हैं आकाश में बहुत ऊपर, और वहाँ पर आपको डिनर कराते हैं। तो हम अपना ये 1.5 आवर पास कर रहे हैं गाइस, ये वेटिंग एरिया है। 7:50 हो गया और हम अपना ध्यान दे देंगे कहाँ के लिए वेटिंग हो रही है। ये फ्लाई डाइनिंग करेंगे ना हम आज, वो क्या होता है पापा की परी उड़ के दिखाएगी। स्काई डाइनिंग के वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं अपने टर्न आने के लिए। मच्छर बहुत है, साथ में क्या ले जाना है, अपना स्प्रे वगैरह ले आए? कुछ मत लाना, कुछ मत लाना। पहला लॉट नीचे आ जाएगा, क्लीनिंग होगी, उसके बाद हमें वहाँ पे बिठाया जाएगा और फिर उड़ाया जाएगा। और फाइनली हमारा नंबर आ गया, वी टेकन सीट। माहौल बहुत अच्छा है, म्यूजिक बज रहा है, बहुत सुंदर प्लेस है और आज का वेदर भी बहुत ऑसम है। अभी हमें सीट बेल्ट्स से टाई कर रहे हैं ताकि कोई ना कोई ऊपर से टपक ना जाए। थोड़ा डर लग रहा है। हमने इनसे ये भी पूछा था कि अगर हमने बुकिंग करा ली और बारिश या कुछ हो जाए तब डिनर पॉसिबल नहीं होता, तो फिर ये कैसे करेंगे? तो ये पैसे रिटर्न नहीं करते, ये 1 साल का कूपन बना देंगे, तो आप उस टाइम पे कभी भी दोबारा आके यहाँ पे डिनर कर सकते हैं। ऊपर पहुँच चुके हैं, देखिए कितनी हाइट है, ड्रिंक सर्व हो चुकी हैं। स्टार्टिंग में तो फुल डर लग रहा था कि कैसे खाया जाएगा, इतना डर लग रहा है नीचे देखने में, बट 1 घंटा ऊपर रहना है तो धीरे धीरे मुझे तो नॉर्मल लग रहा है। ऊपर कुछ लोगों के बर्थडे सेलिब्रेट हो रहे हैं, बट इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस। देखिए हाइट, आप भी ट्राई करना कभी। ग्रेट, एक बार तो जाना ही चाहिए। ऊपर हवा में लटके हुए हैं, हवा इतनी तेज चल रही है, नीचे देखने में डर लग रहा है। और ये रोटेट हो रहा है, ऊपर पहुंचने के बाद रोटेट हो रहा है, मैं फ़ोन नहीं घुमा रही हूँ, ये अपने आप ही हमारा चेयर्स रोटेट हो रही हैं धीरे धीरे, बट बहुत सेफ और कोई झटके वटके कुछ नहीं लगते, बड़ा स्मूथ चलता है ये। तो
फ्लाइट में हम खाते हैं तो अंडर शेड होते हैं, या हम रोप केबल में जाते हैं तो भी मतलब क्लोज्ड होता है सब कुछ। ये ओपन में हमारी चेयर्स लटकी हुई हैं और टेबल है सेंटर में, ये सब ओपन में लटका हुआ है, पैर हमारे नीचे लटक रहे हैं और डिनर कर रहे हैं।